अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे पिछले दिनों हरियाणा स्टेट डेंटल सिविल सर्जन एसोसिएशन ने धरना दिया था, उसी की तर्ज पर आज एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट ऑफ हरियाणा ने सभी फार्मासिस्टों ने प्रदेश के अंदर आज हड़ताल की है। जब हमने इनसे बातचीत की, इनके प्रधान श्री विनोद दलाल जी से बातचीत की, श्री विनोद दलाल जी ने कहा कि ये सबसे एक अहम बात है कि हमारी जो मुख्य मांग है वो पे स्केल 4600 एलिमिनेट करने की है, जिसकी स्वीकृति हेल्थ मिनिस्टर और सीएम साहब ने दे चुके हैं, लेकिन फिर वही वाली बात फिर यहाँ पर उजागर हुई। ये फाइल फिर हेल्थ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अटकी पड़ी है। जो जैसा पिछले एसोसिएशन डेंटल वालों डॉक्टर्स के साथ हुआ, वही फार्मासिस्ट के साथ हो रहा है। और विनोद दलाल जी ने कहा कि फार्मासिस्ट ने आज तक कभी भी स्ट्राइक नहीं की, लेकिन आज मजबूरी में उनको करनी पड़ी है। तो इस सिलसिले में हम फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा की और ACS की क्या प्रतिक्रिया है, हम आपको बताते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात एक और है कि क्या कारण है कि मुलाजमों की जो मांगें होती हैं, आज फिर वही प्रश्न आ रहा है लोगों के जहन में, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आकर फाइलें लटका दी जाती हैं। इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हमारे बीच में तब तक के लिए बने रहिए। हमारा हक हक, हमारा हक हक। वित्त मंत्री हमारी मांगे पूरी करो। अपना हक लेके रहेंगे। एसोसिएशन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हरियाणा, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे फार्मासिस्ट मास लीव लेकर सिविल हॉस्पिटल में धरने पर बैठे हुए हैं। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी 6 मुख्य मांगे हैं, जिसमें हमारा एक तो ग्रेड पे 4600 करना, दूसरा हमारा प्रमोशन चैनल लागू करना, तीसरा हमारा डिप्टी डायरेक्टर का पद जो 10 साल से बना हो उसको भरना, और हमारा नोमनक्लेचर चेंज करना, और हमारी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाना, और विभिन्न परियोजनाओं में लगे हुए हमारे फार्मासिस्ट साथियों को पक्का करना। जब तक वो पक्के नहीं होते तब तक उन्हें समान काम समान वेतन देना। इसके लिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश के नागरिक हॉस्पिटलों पर हम एक धरना दे रहे हैं, और आज अगर सरकार ने अब भी हमारी नहीं सुनी तो हम आज दोपहर बाद आगे एक तीव्र आंदोलन की घोषणा कर देंगे। हम सरकार के साथ निरंतर 4 तारीख से लगातार तालमेल के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए लगे हुए हैं, पर सरकार हमारी नहीं सुन रही। इसलिए हम सरकार को ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। हमारा जो काम FD के अंदर पेंडिंग है, सबसे मुख्य फाइल हमारी ग्रेड पे 4600 है, उसको सरकार निकलवा के हमारा समाधान करवाए, नहीं तो हम एक तीव्र आंदोलन की घोषणा करने मजबूर हो जाएंगे। सर, जो आज आपने स्ट्राइक किया इसके बारे में बताइए। हमारी काफ़ी दिनों से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी साहब और वित्त मंत्री साहब से रेगुलर बातचीत चल रही थी। जो हमारी मुख्य मांग 4600 ग्रेड पे है, उसके रिगार्डिंग हम नितिन से मिल रहे थे, परंतु मुख्यमंत्री और अनिल विज जी के आश्वासन के बाद भी आज तक हमारा ये ग्रेड पे की मांग लागू नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हमें मजबूरन आज स्ट्राइक पे बाहर आना पड़ा है। आज हमारे सारे फार्मासिस्ट, जिसमें से सिर्फ एक हमने काउंटर ओपन किया है, बाकी सभी जिला के सारे फार्मासिस्ट स्ट्राइक पे बैठे हैं और अपनी मांगों के लिए आगे संघर्ष के लिए भी तैयार हैं। लगभग कब तक आप ऐसे ही करते रहेंगे? हमारी आज तो आज की मास कैजुअल लीव है, आगे अगर हमारे हमें सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिलता तो हम आगे भी ऐसे आंदोलन के लिए तैयार हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।